हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए एक फिर से छोटा सा फूल में शेडिंग बना सीखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे टाइल्स पे। तो टाइल्स पे हो सके तो वैक्स कलर से ही ड्रॉ कीजिए, क्योंकि यदि हम स्केच पेन से ड्रॉ करते हैं तो जो टाइल्स के ऊपर जो हम स्केच करते हैं ये निकालने में बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को कि स्केच पेन से ही आप ड्रॉ कीजिए। सिर्फ यहाँ पर लाइनिंग आउटलाइनिंग क्लियर दिखना चाहिए करके मैंने यहाँ पर सिर्फ ड्रॉ किया। जब ज़्यादा समय तक ड्रॉ करके रखते हो तो वो टाइल्स से वो नहीं निकलता, इसलिए आप जहाँ तक हो सके वैक्स कलर से ड्रॉ कीजिए टाइल्स पे। चलिए पत्ती में शेड करना सीखते हैं। तो जैसा हम हमेशा बनाते पत्ती, वही लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर में थोड़ा सा और ब्लैक मिलाना है डार्क करने के लिए, और लाइट ग्रीन कलर में थोड़ा सा येलो मिक्स करना है और लाइट करने के लिए। तो जहाँ पे शुरुआत में पहले डार्क कलर भरेंगे, थोड़ा सा लाइट करेंगे, एक साइड में ज़्यादा डार्क करेंगे और एक साइड में थोड़ा सा कम डार्क करेंगे, और बीच में से एक डार्क लकीर खींचेंगे, और जो कॉटन बर्ड है कॉटन बर्ड से इनको थोड़ा शेप भी चेंज कर सकते हैं इसमें, और जो आजू बाजू रंगोली गिरता है उनको साफ कर लेंगे। तो इससे क्या होंगे, एक नीट एंड क्लीन रंगोली बनेगा हमारा। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी ये पत्ती में थोड़ा सा फोल्ड है तो वो फोल्ड को दिखाना है यहाँ पर। यहाँ पर भी वही डार्क लाइट शेड यूज करना है। फिर कॉटन बर्ड से इनको क्लीन करना है। तो हमने पहले पत्ती को बना लिए। अब फूल में शेड करने के लिए हम येलो का रंगोली लिए, ऑरेंज, ब्लैक, पिंक और रेड। तो ऑरेंज थोड़ा सा येलो और ब्लैक मिला के थोड़ा सा डार्क करेंगे, फिर जो येलो कलर और पिंक कलर को मिला के थोड़ा सा बीच में कलर बनाएंगे, और येलो पिंक और रेड को मिला के बीच में और एक कलर शेड बनाएंगे। तो जो डार्क कलर बनाए थे हमने ऑरेंज और ब्लैक मिला के, वो कलर यूज़ किए, फिर येलो कलर, फिर येलो कलर और पिंक कलर को मिला के जो कलर बनाए थे वो कलर, फिर पिंक और रेड को मिला के जो बनाए थे वो, और फिर रेड। इससे क्या होगा, जो कलर है वो ब्लेंड होते हुए जाएगा, मिक्स होते हुए जाएगा ऊपर। ये जो पेटल में एक फोल्ड है, ये फोल्ड को दिखाने के लिए जैसे भी आप पर जो डार्क कलर बनाए थे वो डार्क कलर यूज करना है। तो ये फोल्ड हर पेटल में आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। बाकी वही है, येलो कलर के साथ जो पिंक मिला के जो कलर बनाए थे वो, फिर पिंक और रेड को मिला के जो शेड बनाए थे वो थोड़ा डार्क वाला, और फिर रेड। सभी पेटल में सेम शेड करना है। सिर्फ अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो फोल्ड है, जो फोल्ड दिखेगा पेटल में, वो फोल्ड को थोड़ा सा केयरफुली बनाना है। बनाते बनाते कॉटन बर्ड से इनको क्लीन भी करते जाएंगे, ताकि जो हमारी रंगोली वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखे। यदि आप टाइल्स पे नहीं बना रहे हो, थोड़ा सा ऊबर खबर जगह पर बना रहे, तो हम जब बनाएंगे आउटलाइन तो ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना जाए। आप प्लास्टिक के ऊपर भी बनाते हो तब भी कॉटन बर्ड यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ जो मिट्टी में बनाते हैं तब वो कॉटन बर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तब हम एक तो दूसरा बैकग्राउंड में कलर भर के उसको क्लीन करना पड़ता है या फिनिशिंग करना पड़ता है, या जब हम आउटलाइन बनाते हैं तब ध्यान से छोड़ना पड़ता है रंगोली को,
ताकि वो ज्यादा फैले ना। तो इस प्रकार कुछ पेटल बनाए, और ये जो पेटल है थोड़ा सा ऊपर है, वो जो पेटल था चार वो थोड़ा नीचे है, और ये पेटल ऊंचा है, इसलिए हम यहाँ पर डार्क शेड यूज नहीं किए इसके जो स्टार्टिंग में था। बाकी वही शेड भरना है जो शेड हमने बाकी पेटल में भरे, उसके बाद जो बर्ड रहेगा वो बर्ड में वो कलर भरना है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन को दबा के लाइक करना ना भूलिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन आता है वो बेल बटन को दबा लेना। बेल बटन को दबाने से मेरे आने वाला हर नए क्रिएटिव रंगोली का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। आप मेरे चैनल में शेड से जुड़े हुए बहुत सारे आइडिया ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं हर तरीके से तरीके के रंगोली लाता हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक सुंदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।